नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं दिव्या आज आप लोगों के सामने गणेश जी के कुछ मंत्रों को अर्थ के सहित लेकर के आई हूँ। सुनते हैं। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षकम भक्तानाम अभयम कर्ता त्राता भव भवानवात। हे गणाध्यक्ष, रक्षा कीजिए। हे गणेश भगवान, आप हम लोगों की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे तीनों लोकों के रक्षक, रक्षा कीजिए। आप भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हैं, भव सागर से मेरी रक्षा कीजिए। भक्त गणेश भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि हे गणेश भगवान, आप हमारी इस भव सागर से रक्षा करिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो भक्त जो है प्रार्थना करते हैं गणेश भगवान जी से, हे हाथी के जैसे विशाल काय जिसका तेज सूर्य की सहस्त्र किरणों के समान है, सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं बिना विघ्न के, बिना किसी बाधा के मेरा कार्य पूर्ण हो और सदा ही मेरे लिए शुभ हो, ऐसी कामना करते हैं। भक्त जो है गणेश जी की पूजा को प्रारंभ करके ये कहते हैं कि हे ईश्वर, हे गणेश भगवान जी, आप हमारे कार्यों को निर्विघ्न रूप से पूरा करिए, बाधा से दूर करिए और ये कार्य जिसको मैंने शुरू किया है ये मेरे लिए शुभ हो, ऐसा प्रार्थना करते हैं। केयूरीणम हार किरीट जुष्टम चतुर्भुजम पाशवरा भयानिम श्रीणिम वहंतम गणपम त्रिनेत्रम सचामर स्त्री युगलेन युक्तम। तो इस श्लोक में भक्त कहते हैं कि मैं उन भगवान गणपति की वंदना करता हूँ जो केयूर हार किरीट आदि आभूषण से सुसज्जित हैं, चतुर्भुज हैं जिनके चार भुजाएं हैं और अपने चार हाथों में पाशा अंकुश वर और अभय मुद्रा को धारण करने वाले हैं, जो तीन नेत्रों वाले हैं जिन्हें दो स्त्रियां चवल डुलाती रहती हैं। तो यहाँ पे गणपति भगवान की विशेषता को बताया गया है कि वो किस किस चीज़ से सुशोभित हैं। ऐसे गणेश भगवान की मैं वंदना करता हूँ। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। तो इस श्लोक में विघ्नेश्वर गणेश भगवान जी को विघ्नेश्वर कहा गया है, वर देने वाले देवताओं के जो प्रिय हैं, लंबोदर जिनका पेट लंबा है, सभी कलाओं से परिपूर्ण जगत का हित करने वाले, गज के समान मुख वाले और वेद तथा यज्ञ से विभूषित पार्वती के पुत्र को नमस्कार है। हे गणनाथ गणपति देवता को मेरा नमस्कार है। इस श्लोक में गणेश भगवान जी को लंबोदर कहा गया है। तो गणेश जी लगभग सभी श्लोकों में लंबोदर शब्द का प्रयोग हुआ है। लंबोदर शब्द का अर्थ है लंबा पेट। हाथी के समान मुख वाले हैं ये सभी लोग जानते हैं और वो सभी वरदानों को देने वाले हैं, देवताओं के प्रिय हैं। ऐसे गणपति भगवान की मैं वंदना करता हूँ, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। नमामि देवम सकलार्थदम तम सुवर्ण वर्णम भुजगोपवीतम गजाननम भास्करमेकदंतम लंबोदरम वारिभावसनम च। मैं उन भगवान गजानन की वंदना करता हूँ जो समस्त
कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं, सुवर्ण तथा सूर्य के समान देदीप्यमान कांति से चमक रहे हैं, सर्प का यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं। उन्होंने जो जनेऊ पहना है वो सर्प का है, मतलब उन्होंने सर्प को ही जनेऊ के रूप में धारण करा है। वो एक दंत हैं, एक दांत वाले हैं, फिर वही लंबोदर शब्द का प्रयोग हुआ है, लंबे पेट वाले हैं तथा कमल के आसन पर विराजमान हैं। मैं ऐसे गणेश भगवान की वंदना करता हूँ तो मैं ऐसे गणेश भगवान की वंदना करता हूँ। तो धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसे शेयर भी ज़रूर करें। नमस्कार मित्रों।